हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम बिना किसी थर्ड एप्लीकेशन की हेल्प से अपना जो व्हाट्सएप है इस पर हम फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने इधर उधर से भी सीखा होगा कि थर्ड पार्टी किसी भी दूसरी एप्लीकेशन की हेल्प से हम अपना जो व्हाट्सएप है उस पर फिंगरप्रिंट लगा सकते थे, फिंगर लॉक लगा सकते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है और आसानी से हम अपना जो व्हाट्सएप है उसको फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं। तो अगर जो आप लोग ये सब सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपने अभी तक अपना कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर वीडियो में अगर जो आप लोग आते हैं तो यहां पर आप लोगों को लगभग 450 वीडियोज यहां पर मिल जाती हैं। आप यहां पर आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें किसी भी थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना जो व्हाट्सएप है उसको अपडेट कर लेना है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ जो बीटा वर्जन यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप का चाहे व्हाट्सएप बिजनेस का, जो बीटा वर्जन यूज करते हैं उन्हीं को यह सिक्योरिटी मिला है। अगर जो आप लोग कुछ दिन बाद अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये आपका जो नॉर्मल जो व्हाट्सएप होगा वहां पर भी ये अपडेट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर जाकर के अपना जो ये व्हाट्सएप है इसको यहां पर अपडेट कर लेना है। तो मेरा जो व्हाट्सएप है इसको मैंने यहां पर अपडेट किया है, तो मैं इसको यहां पर ओपन कर लेता हूं। जैसे ही मैंने अपना जो व्हाट्सएप यहां पर ओपन किया, इसके बाद हम यहां पर 3 लाइंस इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सेटिंग्स इस पर जाना है। इस पर जाकर के हमारे सामने यहाँ पर जो अकाउंट का जो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इस पर अगर जो हम क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे हमें यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर देखेंगे फिंगरप्रिंट लॉक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये अभी डिसेबल है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। इसको इनेबल करने के बाद हमें हमारा जो स्कैनर है, जो हमारा जो मोबाइल है उसका जो स्कैनर है, वहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट को, अपने जो फिंगर है उसको लेकर के जाना है। यहाँ पर हमारा जो लॉक है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अगर जो आप चाहते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप है वो इमिडिएटली लॉक हो जाए तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर जो आप चाहते हैं कि 1 मिनट बाद या फिर 30 मिनट बाद आप चाहते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप है फिर से यहाँ पर लॉक हो जाए तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इमिडिएटली यहाँ पर सेट किया हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। फिर से अगर जो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन करना है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट यहाँ पर मांग रहा है। जब हम अपना फिंगरप्रिंट अपना जो स्कैनर है वहाँ पर लगाएंगे तो हमारा जो लॉक है वो यहाँ पर आसानी से अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बिना किसी थर्ड एप्लीकेशन की हेल्प से, बस सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ी वेट कर लेना है, आपको जैसे ही यहाँ पर अपडेट आएगा वैसे ही आपको ये फीचर यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो आपके मोबाइल में अगर जो फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है तो आप ये जो फीचर है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। थैंक्स।